नमस्कार। हमारा नाम वीर बहादुर सिंह है। यहाँ के लिए ये नाम नया है, लेकिन यूपी में हमारे नाम का डंका बजता है। वहां हमें रैली निकालने के लिए या सभा करने के लिए पुलिस से परमिशन नहीं लेना पड़ता है। हमारे चेले ने शहर की दीवारों पर पोस्टर चिपका दिया तो सारे आईजी, डीआईजी, कमिश्नर हमारे घर भागते भागते आते हैं, नेताजी करते हुए। ये जलवा है हमारा। पिछले साल हमारे एक चेले से एक पुलिस वाले ने तू तड़क से बात कर दी। हमने खड़े खड़े 15 बस फुकवा दिए, ऊपर से दंगा करवाया सो अलग। पेपर से पर में पढ़ा होगा आपने। और सुनो, अभी की बात है, मेरे छोटे भाई ने एक लड़की को जरा सा यूं ही छेड़ दिया। माधुरी दीक्षित बनकर घूम रही थी, जवान खून गरमा गया, पकड़ लिया तो उस लड़की ने मेरे छोटे भाई के मुंह पर तमाचा मारा। जानते हो बाद में मैंने क्या किया? पहले तो उसे भरे बाजार में नंगा घुमा दिया, बाद में चला दिया। किसी ने चू तक नहीं किया, ये रुआब है हमारा। शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि हम किसी जगह 2 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं, सभा शुरू हो जाती है। अगर चल दिए तो जुलूस निकल जाता है, और अगर सो दिए तो हड़तालें हो जाती है। अब आप सोचेंगे, जब हमारा राजनीति वहां इतना अच्छा चल रहा है, फिर हम यहाँ क्यों आए? आप शक्ल से शरीफ और सीधे साधे लगते हो, इसलिए आप ही को बताते हैं। हम अपनी पार्टी को क्षेत्रीय से राष्ट्रीय बनाना चाहते हैं। दिल्ली का राजनीति है, जब तक हमारे पास 2-4 MP न हो तो सूटकेस कहां से मिलेगा, और जब तक वो सूटकेस माल से भरा हुआ न हो तो पॉलिटिक्स करने से फायदा ही क्या है, हा? इसलिए हम अपना और अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। अब हम यहाँ हड़ताल करेंगे, मोर्चा निकालेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, तभी तो यहाँ की जनता हमें नोटिस करेगी, समझे? एक बात हम क्लियर कर दे, हमारी मीटिंग में पब्लिक से ज्यादा हमारे चेले चपाटे रहते हैं, और हमारा उनको निर्देश रहता है कि जरा भी पब्लिक इधर उधर हो तुरंत हंगामा शुरू कर दे। इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना सिपाही भेज दीजिएगा, हमारी प्रोटेक्शन के लिए नहीं, आपकी पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए। और हाँ, सब फुल पेंट वाला सिपाही भेजिएगा, महिला पुलिस को मत भेज दीजिएगा, कहीं उनका चिकना गालवाल देखकर समझ गए ना। अपने देश को आजाद हुए कितने साल हुए? नहीं मालूम। अपने देश में भाषाएं कितनी बोली जाती हैं? नहीं मालूम। हमारे देश की आबादी क्या है? नहीं मालूम। देश का राष्ट्र गीत क्या है? नहीं मालूम। जब तुझे इस देश का इतिहास नहीं मालूम, भूगोल नहीं मालूम, कल्चर नहीं मालूम, अपने आप को नेता कहता है? तू खड़ा होता है तो सभा शुरू हो जाती है, चलता है तो जुलूस निकलते हैं, लेटता है तो हड़तालें शुरू हो जाती हैं। गलती तेरी नहीं है। जिस दिन पहली बार तूने जाति या धर्म का नाम लेकर नारा लगाने के लिए यह हाथ उठाया था ना, उसी दिन कोई पुलिस ऑफिसर तेरा यह हाथ काट देता ना, तो इस तरह तू पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में घुसने की हिम्मत नहीं करता। क्या कहा था तूने? महिला पुलिस को मत भेजना, उनका चिकना
साइन कर। ये तो कोरा कागज है। हाँ, इसमें हम लिखेंगे कि मैं वीर बहादुर सिंह चोर हूँ, खूनी हूँ, बसें जलाई हैं मैंने, दंगे फसाद किए हैं मैंने, एक लड़की को मैंने जिंदा जला दिया, मैं ये सारे जुर्म कबूल करता हूँ। साइन कर। माफ कर दो ना। अब आज के बाद मेरे ऑफिस में अगर तेरे जैसा कोई भी नेता दिखा तो मैं पैर काट दूंगा। मुस्ताक सिंह। यस सर। मैं मेहमानों को इज्जत के साथ विदा करता हूँ। मेरे कंधे पर हाथ रखिए, हाथ रखिए, हंसिए, हंसिए। चलिए, आप इतने महान नेता हैं, मैं मामूली से पुलिस कमिश्नर, इन हाथों से जितनी सेवा कर सकता था कि अगर सेवा में कोई कमी रह गई हो तो दोबारा जरूर पधारिएगा। हंसी है। अरे धन्यवाद हमारे जो आपके दर्शन हुए। अरे प्रणाम प्रणाम, सब कुशल मंगल है ना? आप ही की तरह हम भी बिहार से महाराष्ट्र में अपनी पार्टी का पांव जमाने के लिए आए हैं। कल से रैली या जुलूस शुरू, कमिश्नर के पास परमिशन लेने आए हैं। आप भी कुछ परमिशन उसमें के चक्कर में आए थे का? मिल गया? नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, हम है ना, हम दिला देते हैं। मिल गया। मिल गया ना? अब मिलेगा कैसे नहीं, हम लोग देश के इतना बड़ा नेता है। हाँ। एगो मामूली कमिश्नर हम लोग को परमिशन नहीं देगा? क्या बात कर रहे हैं आप? देगा देगा। हाँ। देना पड़ेगा, और नहीं देगा तो छठी का दूध याद दिला देंगे हम। हाँ। छठी का दूध? हाँ, छठी का दूध। तो क्या बुझ रहे हैं आप जयराम को? अरे ऐसन तैसन कितना कमिश्नर आया कितना गोय, अरे जयराम उहे का उहे है। तो ठहरो, हम ऐसे गोय ऐसे ही आते हैं। जाओ जाओ। जयराम नाम है ना तुम्हारा? आज तुम्हारी सचमुच की जयराम जी की हो जाएगी। कंधे पे हाथ रखिए जी। रख। हंसिए, हंस। चलिए, अब बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के नेता हैं। हम तो बस एक मामूली से पुलिस कमिश्नर जो आपकी सेवा के लिए हैं। कभी भी आपको छठी का दूध याद आ जाए तो आ जाइएगा। चलिए, जनता आपका इंतजार कर रही है। छट्टी का दूध याद आया? याद भी आया और बाहर भी आया। और आपका क्या हुआ महाराज? हेलो गाइस, तो कैसी लगी आप सबको हमारी न्यू वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तब तक ये मिलती है अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।